उत्तराखंड में डेमोग्राफिक परिवर्तन के मामले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि जनसंख्या के दबाव को आधार बनाकर सरकार जो सांप्रदायिक रंग देना चाहती है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव करना ठीक नहीं। गोदियाल ने मूल निवासियों के पलायन को राज्य सरकार की विफलता बताया। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बयान दिया है कि कुछ विशेष क्षेत्रों में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होने से डेमोग्राफिक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, जिसका कुप्रभाव एक समुदाय के लोगों का उन क्षेत्रों से पलायन के रूप में सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बात पर चिंता जताई है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि बहुत समय से इस बात की चर्चा चल रही है, कुछ इस प्रकार के लोग उत्तराखंड में आकर बस गए हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि जांच किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है। भाई, अगर मुख्यमंत्री जी को ऐसी जानकारी है कि कहीं कोई सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के प्रयास कर रहा है, तो सीधे उस पुलिस कप्तान को आदेश करें कि भाई फला फला जगह पर मुझे ऐसी सूचना मिली है और उस पर कार्रवाई करें। हम किसी भी को भी इस प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का छूट नहीं दे सकते हैं, इस बात की छूट नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये भी साथ साथ है कि धार्मिक और जातिगत आधार पर इस प्रदेश में अगर भेदभाव होगा तो संविधान के नियमों का उल्लंघन है, संविधान की भावना का उल्लंघन है, इस बात पर भी हम चुप नहीं रहे। देखिए, वो बहुत समय से इस प्रकार की बात चर्चा चल रही है कि तमाम इस प्रकार के लोग उत्तराखंड के अंदर आकर बस गए हैं, तो निश्चित रूप से उनकी जांच होनी चाहिए। और जांच जो है, चूँकि किसी को टारगेट करके नहीं हो रही है, एक पूरे उसको समसम्यक विचारोपरांत उस पर कार्रवाई हो रही है। पर वाकई में चिंता का विषय बन चुका है इस स्टेट में। पलायन और ये दोनों विषय जो है बहुत चिंता के विषय। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।